नमस्ते, मैं ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मालदीव सरकार के तेवर चीन के पक्ष और भारत के खिलाफ होते जा रहे हैं। मोहम्मद मोइजू की सरकार ने भारतीय सैनिकों से 15 मार्च तक देश छोड़ने को कहा है। राष्ट्रपति मोइजू के मुख्य सचिव अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम ने कहा कि मालदीव सरकार ने भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए 15 मार्च का समय दिया है। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर बयान भी जारी किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि माले में उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों देशों के आपसी संबंध और सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की गई। मालदीव में फिलहाल 88 भारतीय सैनिक हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि हम भले ही छोटे देश हैं, लेकिन इससे किसी को हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। ये समंदर किसी खास देश का नहीं है, ये उन सभी देशों का है जो यहाँ और उसके आसपास बसे हैं। हम किसी के बैकयार्ड में मौजूद देश नहीं है, हम एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में इस मुद्दे पर कहा था कि राजनीति तो राजनीति है, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि हर देश, हर दिन, हर व्यक्ति हमारा समर्थन करे या हमसे सहमत हो। हम इसकी बेहतर कोशिश करते हैं और पिछले 10 सालों में कामयाबी भी मिली है। हमने कई मामलों में मजबूत संपर्क स्थापित किए हैं। राजनीति में उठापटक की स्थिति रहती है, लेकिन भारत के बारे में वहां के आम लोगों की राय अच्छी है और उन्हें भारत से अच्छे संबंधों की अहमियत पता है। आपको यह बता दें कि मालदीव के मरीजों को उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं और इलाज के लिए भारत और कुछ अन्य देशों में भेजा जाता रहा है, लेकिन अब मोइजू ने ऐलान किया है कि उन्हें संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया भी भेजा जाएगा। इसके अलावा मालदीव ने भारत को 15 मार्च तक मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुलाने को कहा है। यूरोपीय संघ के इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन ऑफ मालदीव ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि सत्ताधारी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और पीपुल्स नेशनल कांग्रेस का रुख भारत विरोधी है। इन पार्टियों ने साल 2023 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भ्रामक जानकारियां फैलाने की कोशिश की थी। मोइजू और उनकी पार्टी ने चुनावी के दौरान इंडिया आउट का नारा दिया था। सत्ता में आने के बाद मोइजू ने कहा कि मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की दिशा में बात शुरू हो गई है। जैसा पहले बताया कि मालदीव में फिलहाल 88 भारतीय सैनिक हैं। ये यहाँ रडार और हेलीकॉप्टरों को चलाने और उनके रख रखाव के लिए तैनात हैं। लेकिन मोइजू इन्हें मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरा बताते रहे हैं। चीन से लौटने के बाद मोइजू के बयान चीन के भाषा जैसे होते दिख रहे हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि मालदीव पर पहले से ही चीन का 1 अरब 37 करोड़ डॉलर का कर्ज है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार मालदीव के कुल कर्ज का 20% हिस्सा अकेले चीन से लिया गया है। ये कर्ज सऊदी अरब और भारत से भी ज्यादा है। इन दोनों देशों का मालदीव पर करीब 12 करोड़ डॉलर का कर्ज है। हाल ही में मोइजू चीन गए थे तो चीन की ओर से कुछ घोषणाएं की गई, जैसे कि चीन मालदीव को 13 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देगा। इसके अलावा मालदीव की एयरलाइन मालदीवियन चीन में घरेलू उड़ानें शुरू करेगी। पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए चीन 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर देगा और साथ ही 100 बेड के एक अस्पताल के लिए भी अनुदान देगा। अब साफ है कि मोइजू चीन की भाषा क्यों बोल रहे हैं। वैसे आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस मुद्दे से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज नेशन के साथ। धन्यवाद।